कि आप लोग मेरा प्रवचन सुनना चाहते हैं तो अपने घर में सबके पास मोबाइल है, टच स्क्रीन मोबाइल है, राजू परदेसी भक्ति चैनल, सब लोग खोलिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसलिए संत कहते हैं कि दुनिया में जो कुछ मिला है हमको एक अमानत है, आपकी नहीं है ये अमानत है, दूसरे का है। बेटी है तो बेटी आपकी नहीं है, बेटी है तो दामाद की और बेटा है तो बहू का। संत क्या कहते हैं, बेटी है तो दामाद की अमानत और बेटा है तो बहू की अमानत। आपका नहीं, आपका बेटा कब तक आपका है, जब तक शादी नहीं हुई। शादी के बाद कोई बेटा माँ बाप का नहीं होता कि हो जाता, पत्नी का चक्कर काटता है। पत्नी को क्या होना, लिपस्टिक खत्म हो गई, पाउडर, माँ की दवाई खत्म हो गई, कोई बेटा को ध्यान नहीं है। पर पत्नी का फेयर एंड लवली खत्म हो गया, हर बेटा को ध्यान रहेगा। इसलिए संत कहते हैं कि बेटा है आपका, पर कब तक, जब तक शादी नहीं हुई। और शादी के बाद में कोई बेटा माँ बाप का नहीं होता, वो पत्नी का हो जाएगा। आपसे ज्यादा आज्ञाकारी पत्नी का होगा। पत्नी बोलेगी जा रहे मार्केट भागलपुर, समोसा लेके आना, तो कभी बेटा भूलने वाला नहीं है। रसगुल्ला लाना, तो कभी बेटा भूलने वाला। और चुपचाप लाएगा, माँ को पता भी नहीं चलेगा, बाबूजी को चुपचाप ला के पत्नी को दे देगा, कहा गया दो ही लाया हूँ, 20 रुपया बचा था, अंदर ही खा लो। चुपचाप लाके, अब पत्नी भी अंदर अंदर खा के झिल्ली रसगुल्ला की बाहर फेंक देती पॉलीथीन। अब सुबह सुबह सास जब झाड़ू लगाती है और झिल्ली उठाती तो देखती चाशनी टपक रही है, चिट्टी लगी हुई है। बुढ़िया अनुमान लगाती कि कल भागलपुर गया था, जरूर रसगुल्ला लाया होगा, ये चाशनी उसी का है, रसगुल्ला का। बेटा बड़ा चतुर चालाक हो जाता है कि माँ बाप को पता ना चले। बच्चे को जन्म देने में, पालन पोषण में माँ अपनी सुंदरता खो देती है, और बेटा बड़ा होकर माँ बाप पत्नी की सुंदरता में माँ बाप को खो देता है। सही बात है। एक कहानी याद आ गई मुझे कि देखिए माँ बाप कितने जतन जतन से पालते हैं, पर बच्चे आजकल माँ बाप का सम्मान नहीं करते। भगवान श्री राम का आदर्श अगर आदमी अपने जीवन में उतार ले, सिर्फ एक आदर्श, तो घर स्वर्ग बन जाए, घर मंदिर बन जाए। अगर एक आदर्श अपने जीवन में उतार ले, भगवान श्री राम का एक आदर्श क्या था, प्रातः काल उठऊं रघुनाथा मात पिता गुरु। सुबह उठकर माँ बाप को प्रणाम करना चाहिए। कितने लोग होते हैं जो सुबह उठकर माँ बाप को प्रणाम करते हैं, कितने, 99% तो माँ बाप को प्रणाम नहीं करते, 1% होता है। धार्मिक हैं हम, बहुत धार्मिक हैं, हमारे जैसे पुजारी कोई नहीं, पर सुबह उठकर माँ बाप को प्रणाम नहीं करेंगे। धार्मिक हैं, धार्मिकता में कोई कमी नहीं, पर माँ बाप को प्रणाम नहीं करेंगे, चाहे सबको कर लेंगे। हमारा धर्म कहता है कि प्रातः काल उठो रघुनाथा मात पिता, पहले माँ बाप को प्रणाम कीजिए। माँ बाप सबसे बड़े देवी और देवता होते, सबसे बड़े भगवान। माँ सबसे बड़ी देवी है, माँ ने पेट में रखा 9 महीना, जन्म दिया, पालन पोषण किया। माँ जैसी देवी दुनिया में कोई देवी नहीं, और पिता जैसा देवता कोई देवता नहीं, कि है कोई देवता, माँ बाप से बढ़कर है कोई देवता। सबसे बड़े देवता अगर दुनिया में है, ये मैं नहीं कह रही, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। हिंदू धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है, यजुर्वेद, अथर्वेद, सामवेद, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण की रचना हुई। ऋग्वेद का सबसे पहला मंत्र है मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव। भगवान श्री राम सबसे पहले उठते थे, माँ बाप को प्रणाम करते थे। आज हमारे बेटा सबसे पहले उठते तो किसको प्रणाम करते हैं? आंख खुलती है और खुले ना, सबसे पहले किसके चरण ढूंढेंगे? मोबाइल के चरण। कहाँ है मोबाइल?
कितना व्हाट्सअप आया है, कितना गोला आया है। जैसे पहले लोग मुर्गी के अंडे ढूंढा करते थे कि कितनी मुर्गी ने अंडा दी है, आजकल व्हाट्सएप में कितना गोला कितना मैसेज आया है, आदमी नींद खुलते ही उसको ढूंढने लगा। भगवान श्री राम अपनी सोतेली माँ के कहने पर 14 वर्ष वनवास गए। आज तो बेटा को कहिएगा, बेटा थोड़ा आज कुट्टी काट दो, मैं भागवत यज्ञ में जा रही, कथा सुनने जा रही हूँ, आज तुम कुट्टी काट दो, तो कोई जवान बेटा कुट्टी नहीं काटेगा, कोई बहू गोबर नहीं फेंकेगी। दूध सबको पसंद है, पर कुट्टी काटना, गोबर फेंकना, बहू को दूध पसंद है पर बहू को गोबर फेंकना पसंद नहीं, बेटा को दूध पसंद है पर कुट्टी काटना बूढ़े सास और बूढ़े ससुर के ड्यूटी। भगवान श्री राम 14 वर्ष, एक दो दिन नहीं, दो चार महीने नहीं, एक दो साल नहीं, 14 वर्ष वनवास गए। किसके कहने पर? सोतेली माँ के कहने पर। झगड़ा नहीं किया। आज तो कलयुग का जमाना है, पहले माँ बाप वनवास देते थे बेटा और बहू को, आजकल बेटा माँ बाप को ही वनवास दे देते हैं, जाइए वृद्धाश्रम में रहिए, कोई जगह नहीं है, अलग रहिए, नहीं तो एक कट्ठा जमीन ले लीजिए, एक बीघा ले लीजिए, अलग रहिए। ये कलयुग का जमाना, यहाँ पर उल्टा होता है, माँ बाप वनवास नहीं देते, बेटा ही वनवास दे देते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, ध्यान दीजिएगा, नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात, पानी आंखों का मरा मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज, पानी आंखों का मरा मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज, भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, बहन पराई हो गई साली खासम खास। आजकल भाई भाई पर विश्वास नहीं करता, चार भाई पांच भाई एक द्वार एक आंगन एक कमरा में रहते हैं, कब तक? जब तक शादी नहीं हुई, और शादी हो गई चारों की बहू आ गई तो कोई भाई एक द्वार में नहीं रहेगा, चार द्वार चार आंगन बनेंगे, चार को टाटी लगेगी, बिना टाटी का कोई जी नहीं सकता, टाटी में टाटी, छोटे छोटे द्वार हो जाते हैं, छोटे छोटे आंगन हो जाते हैं, बिना टाटी लगाए भाई और भाई नहीं जी पाते, कहेंगे दुश्मन का चेहरा देख लेंगे लेकिन उसका चेहरा नहीं देखेंगे। रामचरितमानस रखा मंच में, रामचरितमानस पढ़ते हैं मंच में, और घर में यहाँ रामायण और घर में महाभारत, अगर घर में भी रामायण हो जाए तो राम राज्य फिर से किया जाए। भाई भाई की त्याग की कहानी है रामायण, भाई भाई के त्याग की प्रेम की कहानी है रामायण, और भाई भाई के स्वार्थ की झगड़ा की कहानी है महाभारत। भाई भाई में प्रेम होना चाहिए। तो मैं कह रही थी कि माँ बाप के प्रति सम्मान होना चाहिए। माँ सबसे बड़ी देवी है। एक कहानी याद आ गई, उस कहानी को बोल के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। फिर हमारे बीच में कुछ कलाकार बंधु बैठे हुए हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं, समय का अभाव है, कुछ भजन इनसे हम माँ बाप के ऊपर प्रसंग के अनुरूप कुछ भजन सुनेंगे। एक कहानी छोटी सी बताती कि माँ बाप की आज क्या स्थिति है। एक बहु बढ़िया से सज धज के 5,000 की साड़ी पहन के और रूम से बाहर निकली, अपने बेडरूम से बढ़िया से सज धज के लिपस्टिक पाउडर क्रीम लगा के, तो सास ध्यान से देखती है, लगता है बहू कहीं आज जा रही है, इतना मेकअप की है, 5,000 की साड़ी पहनी, लगता कहीं जा रही है। तो धीरे से, पहले बहू डरती थी सास से, पर आज सास डरती है बहू से। धीरे से सास क्या बोलती है कि बेटा लगता है कहीं जा रही हो, कहाँ जा रही है, बड़ी धीरे से बोलती है, बेटा लगता है कहीं जा रही हो, कहाँ जा रही है। कहा माँ जी मैं पार्टी में जा रही हूँ, मेरी सहेली का मेरी फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है। बर्थडे पार्टी मतलब समझ गए सब।
जन्मदिन बर्थडे, तो कहा कितने बजे आओगी, कहा अभी तो गई भी नहीं हूँ आने की, क्या बात, भोजन होगा, खाना पीना होगा, डांस होगा, 11-12 तो बज ही जाएंगे, आराम से आएंगे। तब बूढ़ी सास ने कहा कि मेरे लिए भोजन, अब बूढ़ी सास को चिंता हो गई, ये लोग तो पार्टी में खा के आएंगे, मैं कहाँ खाऊंगी, कहा मेरे लिए भोजन। बहू ने कहा कि सुबह की दिन की सब्जी रखी हुई है, आलू की भुजिया दिन का रखा हुआ है, 4 रोटी बना के खा लेना। अब बूढ़ी सास 80 साल की, बिचारी कभी गैस जलाई ही नहीं, गांव देहात में रहने वाली बहुत माताएं जिनको आज भी गैस जलाते नहीं बनता, डर लगता है। बूढ़ी माता जी ने कहा बहू से कि बेटा रोटी बना देती 4 तो अच्छा होता, क्योंकि मुझे गैस जलाते नहीं बनता, 4 रोटी बना दो, दिन की सब्जी रखी मैं उसी को खा लूंगी। अब बहू के ऊपर तो लगता है पहाड़ टूट गया, क्योंकि आजकल देखिएगा शादी विवाह में सब महिला जब सज धज के तैयार हो जाती ना, तो वो अपने बेटा को भी गोद में नहीं बिठाना पसंद करती, अपने पति को भी एक गिलास पानी नहीं देगी, सास ससुर को तो देखेगी भी नहीं, भूल जाएगी कि हम ससुराल में हैं। पहले ऐसा होता था कि शादी में बाहर से नाचने वाले को बुलाया जाता था, नाचने वाली को बाहर से बुलाया जाता था, और घर की बहू जो होती थी वो भोजन बनाती थी। आज से 40 साल पहले की बात बता रही, नाचने वाली को बाहर से बुलाया जाता था और घर की माँ बहन बेटी मिलके भोजन बनाती थी। पर आज क्या होता है, आज हमारी माँ बहन बेटी बहू डीजे में गली में नाचती है, बढ़िया से मेकअप करके, डीजे बज रहा है, बहू भी नाच रही, बेटी भी नाच रही है, और कभी कभी देखने को मतलब मिलता है कि दुल्हन भी नाच रही, दूल्हा भी नाच रहा है, दूल्हा दुल्हन भी नाचते हैं, बहुत डांस करते हैं मंच में। क्या जमाना आ गया, शर्म नहीं है आजकल, शर्म सब खत्म, पानी आंखों का मरा मरी शर्म लाज, कहे बहू अब सास से घर में हमारा राज, अब हमारा राज है घर में। सास ने कहा कि 4 रोटी बना दो, तो बहू को लगा कि पहाड़ टूट गया, इतना सुंदर 2,500 का ब्यूटी पार्लर से मेकअप करा के आए हैं हम, और जो 5,000 की साड़ी पहने, गर्मी का दिन है, अगर हम किचन रूम में जाएंगे भोजन बनाने, तो एक पसीना में तो सारा पाउडर साफ हो जाएगा, पार्टी में जाना है। और बुढ़िया अब तो गुस्सा, पत्नी का गुस्सा सातवें आसमान में, भगवान को कहती भगवान आपको धन्यवाद है ससुर पहले ही चल बसे, पर ये बुढ़िया कब भगवान को प्यारी होगी। पति के पास गई गुस्सा से, कहा सुनते हो जी, कहा क्या है, कहा ये मेरी सास है ना, ये सास नहीं है, ये मेरी गले की फांस है। कहा क्या हुआ, कहा हम तैयार हुए हैं पार्टी में जाने के लिए, और ये कहती है कि 4 रोटी बना दो, तो क्या दिक्कत, बना दीजिए। पति बोलता है, कहा तुम भी माँ का पक्ष लेते हो, देखते नहीं मैं तैयार हो गई, और तैयार होने के बाद मैं रोटी बनाने जाऊंगी, और पसीना में मेरा मेकअप पाउडर क्रीम का क्या होगा, बहुत टेंशन हो रही मुझे तो। कहा अच्छा चिंता मत कीजिए, एक काम करते हैं, मैं माँ को समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, बेटा बड़ा समझदार हो गया है, माँ को समझाने लगा है। माँ के पास गया, कहा माँ हम लोग पार्टी में जा रहे हैं, तुम भोजन कर लेना। कहा बेटा कैसे करूंगी, सब्जी तो है पर रोटी नहीं है। कहा सब्जी रोटी को टेंशन छोड़ो, बगल में साईं मंदिर है, और साईं मंदिर में आज खिचड़ी का प्रसाद बटेगा, गुरुवार है, और गुरुवार दिन जो है खिचड़ी का प्रसाद भोग लगता है, तो तुम टिफिन लेके चले जाना, 2 चम्मच ज्यादा डलवा लेना, और घर में आके चुपचाप बैठ के खा लेना। माँ ने कहा ठीक है बेटा जाओ। माँ बेटा और 10 साल का पोता जब 4-व्हीलर गाड़ी में बैठा, गाड़ी थोड़ी आगे चली, तो 10 साल का पोता कहता अपनी मम्मी से,
कि मम्मी मम्मी जब मैं बड़ा होऊंगा ना पापा के जैसे तो एक आलीशान बंगला बनाऊंगा, बहुत सुंदर मकान बनाऊंगा। मम्मी बड़ी खुश हुई कि वाह मेरा बेटा कितना अच्छा सपना इसका मकान बनाएगा। ये हर माँ बाप चाहते कि मेरा बेटा बड़ा हो के बंगला बनाए, मकान बनाए, गाड़ी खरीदे, धन कमाए। बच्चे के अंदर में संस्कार भी दीजिए, केवल कार नहीं संस्कार भी दीजिए, और संस्कार नहीं तो सब बेकार। पर बेटा कहता है कि माँ जब भी मैं बंगला बनाऊंगा मकान बनाऊंगा तो किसी बड़े मंदिर के पास ही बनाऊंगा। कहा क्यों? पूजा करोगे, जल धारोगे कि घंटी हिलाओगे, मंदिर के पास क्यों मकान बनाओगे? कहा मैं ना पूजा करूंगा ना जल धारूंगा ना घंटी हिलाऊंगा, तो फिर मैं मकान इसलिए बनाऊंगा क्योंकि जब मैं पापा के जैसे बड़ा हो जाऊंगा तब तुम दादी के जैसे बूढ़ी हो जाओगी, और मुझे कहीं पार्टी में जाना होगा, बाहर खाना होगा, तो तुम कहाँ खाना खाओगी? दादी की तरह तुम भी उसी मकान मंदिर की खिचड़ी का प्रसाद से भोग लगाकर खाना खा लेना। बोलिए सद्गुरु। सज्जनों, हमारे देश में देवी देवता आए, ऋषि मुनि आए, सबने यही शिक्षा दिया कि समाज परिवार में जो आपकी सेवा करते हैं, जिसकी सेवा से आप बड़े होते हैं, उसका सम्मान और सेवा पहले करना, कि जो बैठे हुए हैं देवी और देवता है, चारों धाम इनके चरणों में हैं। जिसने माँ बाप की सेवा कर लिया उसने चारों धाम की यात्रा कर ली, उनका सम्मान कीजिए।